शायद आप यकीन न करें, पर सच्चाई यही है कि तेजी से तरक्की करती इस दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया भी मौजूद है, जुर्म की दुनिया, जहां बात बात पर बंदूक उठा लेना बहुत मामूली सी बात है। एक ऐसी दुनिया जिससे हमारा समाज खौफ खाता है, जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, राजनेता जिसका लाभ उठाते हैं, और ईमानदारी जहां दम तोड़ देती है। दुर्भाग्य है, पर यही सच्चाई है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस प्रदेश में सब कुछ बहुत ज्यादा है। अमीरी है तो बहुत है, गरीबी है तो बहुत है, शराफत है तो बहुत है, और बदमाशी है तो बहुत है। इस प्रदेश में दिन दहाड़े क्राइम हो जाना मामूली बात है। यहाँ पर बस एक ही रूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भाई। राजनीति तो जैसे पैदा ही यहाँ से होती है। यहाँ के हर शहर की अपनी एक पहचान है। कारखानों का शहर, चमड़ा, जूता, पर्स, बर्तन, बच्चों के खिलौने और बड़ों के भी, किसी भी नौ सिक्के, छुटबइये, डकैत, शार्प शूटर या हाईवे के लुटेरे के हाथ में पकड़े कट्टे को गौर से सुनो। यहाँ की ही किसी गली की महक आएगी। ऐसी ही एक गली है अमनगंज। दीवारों पे गुटके और पान के निशान, और कहीं कहीं पेशाब की लकीरें क्या की तहजीब बयां करती है। घर में जितने बैठने के लिए कुर्सियां नहीं होती, उससे ज्यादा असलहे होते हैं। जिसके पास जितना ज्यादा कारतूस, उसकी उतनी ऊंची आवाज। 12 लाख का वोट बैंक, कोई पार्टी हाथ नहीं लगाना चाहती, सब खुश है, सबको लगता है सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक है। जब आदमी अपना सिस्टम खुद बना लेता है तो सबसे ज्यादा खुश रहता है। यहाँ भी कुछ फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां जो माल नहीं क्रिमिनल पैदा करती हैं। अरे क्या हुआ बिटिया? बाबर मार रहा है। बाबर बोलेगी तो मार डालूंगा। बाबर अम्मा इसको समझाओ, मुझे बाबर ना कहा करे। अभी छोटी है ना, इसलिए राग और आ बोलती है। जवान कर दूंगा तेरी। हाँ हाँ देखियो अम्मा कहने के बावजूद मुंह चिढ़ा रही है। खाना बनने में और कितनी देर है कम्मो? बस बन गया अम्मा। ए बल्ली, बबलू आ जाओ भाई। आया मम्मी। नहीं नहीं बेटा। आ बल्ली बैठ। जरा एक गिलास पानी दे दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए छुटकी, आज तेरे अब्बा अम्मा की सालगिरह नहीं है, उनकी शादी की सालगिरह है। देख रही हो माँ क्या गलत सलत पढ़ाते हैं स्कूल में। कल से बंद कर दे इसका स्कूल। ए बिटिया, एक बोटी केक जरा हमको भी तो दो। अरे अम्मा, तुम सारा का सारा केक खा लो। जा छुटकी, अम्मा को देखे आ। बल्ली, आज तू कुछ नहीं बोल रहा, मुंह में दही जमा रखा है क्या? तो क्या करें, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, इसलिए चुप रहना ही ठीक है। तू हमेशा बात ही ऐसी क्यों करता है? मैं जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ जब भी कोई कटखन्ना कुत्ता नजर आए, खुद का रास्ता बदल लेना चाहिए। कितने रास्ते बदलेंगे सरफराज भाई, हर गली में खड़े हैं ये साले। इनका तो एक ही इलाज है कि उठाओ डंडा और खोल दो खोपड़ी सालों की। कितनों को मारेगा तू? हाँ, एक को मारो बाकी अपने आप समझ जाएंगे, वरना आज दुकान जा रही है कल को घर से भी बाहर हो जाएंगे। तो क्या करें, हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएं, कट्टा उठा लें, खून खराबा करें? करना ही पड़ेगा भाई, वरना जीना मुश्किल कर देंगे ये काले पहलवान जैसे लोग। तू क्या समझता है वो काले पहलवान अकेला है? पूरी की पूरी फौज है उसके साथ। तो क्या हुआ, हम लोग भी तो 6 भाई हैं। ये लो मिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वाह वाह वाह, असलम कट्टा आए हैं। और असलम भाई, क्या बात है, बड़े जमाने के बाद दीदार हुए आपके। अपने कट्टे का रोजगार ही ऐसा सरफराज भाई, आना जाना लगा रहता है। अभी 10 दिन पहले आया हूँ। क्यों, कहीं बाहर गए थे? नहीं, अंदर। अबे ओ मेरे शेर, जा चाय लेकर आ जल्दी। और वो भी हमारे इलाके में। कुछ कुछ मसला है क्या सरफराज भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं। कर दिया। इम्तियाज भाई आप बताइए। ये काले पहलवान हैं, बहुत दिनों से हमारी दुकान घेरने के फेर में लगे हुए हैं। ये तो कोई मसला ना हुआ, कहें तो मामला यही निपटा दे। नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना, ये हमारा आपस का मामला, हम खुद ही से निपट लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। दूर क्या रहा बे, नया है क्या? ए, ए, काले भाई, काले भाई, इन्हें कुछ मत कहिए, हमारे मेहमान है। कौन है बे तू, हैं? होता क्यों नहीं है? हाथ दूर रख, वरना क्या करेगा तू? ए, काले भाई, काले भाई, काले भाई, रुक जाइए। अरे, 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 मैं कह रहा हूँ छोटी खाना बन जाएगा। अरे, आप सीधे पानी से रुक जाइए आप लोग। अरे, रुक जाइए, काले भाई, नहीं, अपने हाथ में रखो। अरे, ये क्या हो रहा है? अरे, कोई सामने आओ, रुको, झगड़ा करो। अरे, भाई, दिमाग तक पहुंची और शुरू हुआ सरफराज और इम्तियाज के जुर्म का सफर। ये हमारी चाल, 50 की चाल। अच्छा मामू, ये मर्डर हुआ कैसे? तुम भी बड़ा चालू हो दरोगा, पत्ते खेलने के बहाने हम इसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो? वाह वाह वाह। अरे नहीं मामू, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं। आप ही इलाके से हो, हमको लगा आपको मालूम होगा। ये 200 की चाल आई। सब लाश का पंचनामा हो गया, सिख कबाब बना दिया काले पहलवान का। अरे मरने वाला मर गया, मारने वाला भाग गया, ससुरा हामिया मुंह से मछली निकाल रहे हैं। गर्मी बहुत है मामू, जांगिये का नाड़ा तक गीला हो गया ससुरा। अभी तो बहुत कुछ और गीला आने वाला तेरा। साहब ऐसे चो साहब आ रहे हैं। अरे माँ की अगल, पैसे उठाओ मामू, बाद में देते हैं, अभी हमारी जेब में रहने दो। अबे सलाम अलैकुम। जय हिंद सर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी सर, हम मामू से पूछताछ कर रहे थे सर। इससे क्या पूछ रहे हो, जो खुद ही एक गुंडा है। अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है साहब, आजकल तो हम समाज सेवक हैं। मर्डर किसका हुआ? कसाई का सर। किसने किया? कसाई ने सर। मर्डर इरादतन हुआ? आदतन हुआ सर। मतलब? ये तो गुंडों का इलाका है सर, यहाँ तो पत्ते खेलते खेलते मजाक में मर्डर हो जाता है। शट अप। हो गए सर। मुजरिम का घर किधर है? ए, घर कहाँ है? हाँ लेके चलते हैं साहब, आइए। जाइए सर। गए मछली पकड़ने। बाबर, तू जल्दी यहाँ से भाग। सरफराज भाई और इम्तियाज भाई बाहर गए।
क्या करने गए? पता नहीं। उसका आता पता भी तुम्हें पता नहीं होगा? नहीं। एकदम सही जा रहे हो, घुटे हुए हैं। जी सर। क्यों बे, हमको समझता है क्या? जितना मालूम था बता दिया, अब काहे को बेकार में दिमाग खराब करते हो? आवाज नीची और तेवर ढीला रख, तेरे आसार अच्छे नहीं लग रहे फरने का। एक सलाह देता हूं, पुलिस वालों की अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी हमेशा बच के रहना। अबे हाँ बोल। हाँ ये कौन है? ये छुटका भाई साहब, पता लगा मौका वारदात पे ये भी था। क्या नाम है तेरा बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है मृत्युंजय द्विवेदी। हमारा नाम बाबर है। स्कूल जाता है? नहीं। क्यों? हमारी मर्जी। बहादुर बच्चा है। हाँ जी साहब। शाबाश। अच्छा ये बता, आप आज तेरी दुकान में क्या हुआ था? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? हम खेल रहे थे, ध्यान नहीं दिया। क्रिमिनल बन गए और गने घर में बनने लगी। बड़ों का असर छोटों पर तो होना ही था। ए बाबर, क्या हुआ बल्ली? अरे बल्ली, बड़ी गर्मी है रे तेरे बाबर में। छोटे उस्ताद, ये दुश्मनों पे चलाने के लिए, अपनों पे नहीं। कदमों के निशा को मिटाते तो जाइए, कहीं हम भी न चल पड़े इनके निशा के साथ। बाबर के नन्हे पैर भी उसी राह पर चल पड़े। कट्टा यू खोल, पीछे से गोली भर और लगा के निशाना, दबा दो घोड़ा, धाए सामने वाला चित। हैं, कट्टा चलाया तूने? क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? बोलो तो कल लाके दिखा दूँ। ए बाबर, गुल्ली दे मेरी। देता है कि नहीं? बेरा हो गया क्या? ला मेरी गुल्ली दे। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? फालतू बकवास ना कर, गुल्ली दे मेरी। गुल्ली चाहिए? ला। ले गुल्ली। ले ले ला, ले। ला मेरी गुल्ली। गुल्ली दे मेरी। ए ला मेरी गुल्ली। ए ला। मेरी तरफ दे। दे मेरी गुल्ली। छोड़, हट। ए छोड़ हरामी साला। चल बे, डंडा लेकर आ, चल। ए तब्रेज, हरामी बोल रहा है। गैर कानूनी कट्टा मां, कानून का कारतूस, साला अद्भुत। कितने हैं? पूरा सेंचुरी मारे हैं। हमने तो 200 मांगे थे। अरे भैया, जितना मिला है गनीमत समझ के उका स्वीकार करो। वो ससुरा एसएचओ द्विवेदी डंडा किए हुए आजकल। बबलू, बल्ली, ये इस टाइम यहाँ क्यों आया है? बल्ली, हाँ ये दाने अंदर रख।
जी भाई, लो दरोगा जी आप निकलो। लक्ष्मी जी की जाए हो। यहाँ से निकलो पीछे से। ठीक बबलू। बल्ली आया पहलवान।